अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे। दिस इज माय अनदर वीडियो। तो ये देखिए, मैंने जस्ट वन लिपस्टिक से ही पूरा मेकअप किया है। अभी मैंने काजल नहीं लगाया, मुझे मिल नहीं रहा था काजल। तो अच्छा, इस लिपस्टिक का शेड पिक्चर्स में पिंक आता है, टी पिंक, बेबी पिंक, और इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट ब्राउनिश ब्राउनिश शेड आ जाएगा, अच्छा लगता है। वैसे ये भी प्यारा लगता है। अच्छा, तो हम कहाँ थे, पता क्या, आप लोग ना आजकल नींबू पानी बना के पियो, उससे आपकी स्किन बहुत 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 ज़्यादा ग्लो करेगी। और चुकंदर का जूस पियो, दूध ज़्यादा से ज़्यादा पियो, स्किन भी शाइन करती है। एलोवेरा जेल आप लोग अपने घर में लगा लो, तो उसकी जो एलोवेरा वो अपने बालों पे, अपनी स्किन पे लगाओ, बहुत इफेक्टिव है। और एक सबसे बड़ी बात ये, बाकी में ओपन पोर्स के लिए, अक्सर गर्ल्स को ओपन पोर्स का इशू होता है, और ओपन पोर्स के लिए जो है ना, वो जो अंडे की सफ़ेदी है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना, वो ज़बरदस्त टिप है। और किसी को स्किन पे बहुत बहुत ज़्यादा आयल आया होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पता है क्या है, आप ना वो मुल्तानी मिट्टी वो लगाओ। यह सिंपल सी बात है, सब लोग कहते हैं बेसन से मुंह धो, घर पे फेस वॉश बनाओ। अब कॉमन सी बात है, आप सुबह उठोगे सबसे पहले बेसन ढूंढोगे, बेसन से फेस वॉश बनाओगे, फेस अपना जो ये क्या है, बेसन में आप शायद मिलाओ, दूसरी चीज़ें मिलाओ। सिंपल सी बात है कि आपकी स्किन टोन को इतना इतना ग्लो करना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो एक सिंपल से सोप से अच्छा हो जाए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इशू है, वो सम टाइम आपको एलर्जी होती है, तो वो डव सोप यूज़ करे। डव से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ये स्किन एलर्जी है ना, वो ज़रूर रिड्यूस हो जाएगी। तो एक और बात बताओ कि ये जो आप फेस वॉश यूज़ करते हो वाइटनिंग के लिए, उसे आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया था इसके लिए, फेस वॉश के लिए, कि वाइटनिंग के लिए जो स्किन ड्राई कर देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि, जिनसे मैंने पूछा था डॉक्टर से, तो उन्होंने ये बोला था कि जो फेस वाइटनिंग के लिए आप लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उसमें ऐसे केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं जो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, और उसकी वजह से जो आपकी स्किन का जो ऑयल है फिर वक्त वो मतलब ऐसे लग रहा होता है कि यार इसमें ऑयल नहीं है स्किन में, जिस वजह से वो थोड़ी वाइटनिंग इफेक्ट आ रहा होता है। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो कि परमानेंट रहे, लाइक आपको अगर आप छोड़ देते हो ये चीज़ें यूज़ करना, तो आपको बाद में एक इसका साइड इफेक्ट ना मिले, रिएक्शन ना हो स्किन को। बट ये कि कोक वगैरह जंक फूड भी कम पीने से, ये मुझे ये थोड़े थोड़े से हुए हुए हैं एक्नी, ये मेरे कोक ज़्यादा पीने से हुए हुए हैं। और आप लोगों को बताऊँ फ्रेंड्स, अगर क्रीमों से वाइट होना हो ना, तो ये इंडिया में इस कदर फ्रस्ट्रेशन है क्रीमों इतनी। अच्छा, आपको पता है ये क्रीमें कहाँ से इतनी जो है ना, इन्होंने इनका इंकशाफ हुआ या दरियाफ्त हुई हैं या नाजिल हुए हैं, ये इंडिया से। वहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया की जो लोग हैं ना, उनका मोस्टली कलर सांवला कम्प्लेक्शन, ब्राउनिश कम्प्लेक्शन आता है, या कह लें बहुत बहुत डल आता है। तो जनाब जी, क्या क्या अब क्या हिसाब है, हिसाब ये है कि इन क्रीमों के चक्कर में ना पड़े। हाँ, जो थोड़ी बहुत इफ़ेक्टिव है, जो एक आजमूदा है, वो मैंने पहले भी दो वीडियोस में बताया, स्टीलमैन उन फेयर लवली का। और अगर आपको इसके अलावा मैंने दिखाने थे वाइटनिंग कैप्सूल, वो तो दूसरे रूम में पड़े, वो मैं भूल गई, तो मैं लेके आती हूँ। अब चलते हैं कैप्सूल लेने।
अच्छा तो हम दूसरे रूम में आगे हैं और मैं कैप्सूल लेने आई हूँ, तो अभी तक थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। अच्छा तो अब हम दूसरे रूम में आ गए हैं, तो मैं कैप्सूल लेने दीदी आई थी, जिधर आप लोग भी मेरे साथ आए हो कैप्सूल लेने। तो पता है क्या, बात पता है क्या है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैप्सूल। जनाब जी ये वो कैप्सूल्स हैं वाइटनिंग के, जो कि मुझे एक शॉपकीपर ने दिए थे, कॉस्मेटिक ही शॉपकीपर ने, ब्रांड के, उसने कहा था ये ब्रांड के हैं, ठीक है। एक कैप्सूल वाइटनिंग के हैं जो 5 रुपीज़ के मिलते थे, वाइट कलर के, जो कि अब 10 रुपीज़ के हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं ख़त्म शुद्ध कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि अब खाना लगाना है। वाइटनिंग कैप्सूल आप लोगों को मैंने दिखाए हैं और ये ब्रांड के कैप्सूल हैं, तो मतलब आप कहना चाहके कि ये वाले आम कैप्सूल नहीं, दूसरे ब्रांड के दे दें। वैसे मैंने यूज़ नहीं किए अभी तक, इनका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है वो मुझे पता नहीं है।